Hey guys, welcome back to a new video. आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को LD player का एक लाइट वर्जन प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगर आप लोगों के पास एक लो एंड पीसी है तो ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। इस एमुलेटर को आप लोग 2GB रैम वाले पीसी पे इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन वो बात अलग है कि अगर आप लोग इसमें फ्री फायर को प्ले करना चाहते हो तो फिर एटलीस्ट आप लोगों के पीसी में 4GB रैम होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पीसी में 4GB या फिर 8GB रैम होगी तो फ्री फायर बहुत ज्यादा स्मूथ चलेगी और आप लोग फ्री फायर को विदाउट लैग प्ले कर पाओगे। साथ ही अगर आपके पीसी में डुअल कोर प्रोसेसर लगा हो तो फिर आप लोग इस एमुलेटर को चला सकते हो, बिकॉज अगर आपके पीसी में सिंगल कोर प्रोसेसर होगा तो फिर ये एमुलेटर आप लोगों के पीसी में काम नहीं करेगा। इंस्टॉल तो हो जाएगा लेकिन ओपन करने पे या तो 94 पे स्ट्रक हो जाएगा या फिर अगर ओपन भी हो जाएगा तो फिर भी आप लोगों के पास इसमें फ्री फायर नहीं चलेगी। सो आपके पीसी में 2 कोर्स वाला प्रोसेसर लाजमी से होना चाहिए। अगर ग्राफिक कार्ड की बात की जाए तो किसी भी किस्म के ग्राफिक कार्ड की जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन आप लोगों के जो ग्राफिक ड्राइवर्स हैं वो अपडेटेड होने चाहिए, साथ ही OpenGL 2.0 को सपोर्ट करते हो। गाइस, आप लोगों ने जस्ट इतना सा करना होगा कि वीडियो को एंड तक देख लेना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो जो स्टेप्स बताने वाला हूं अगर आप लोग उनको साथ साथ फॉलो करते जाओगे तो फिर ही आप लोग इसको लो एंड पीसी पे इजीली चला सकते हो। तो चलें गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने यह करना है कि LD Player Lite Emulator का लिंक आप लोगों को पिन कमेंट में मिल जाएगा। सिंपली से आप लोगों ने इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपली आप लोग इस फाइल पे राइट क्लिक करेंगे एंड यहां से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके सिंपली हम लोग इस फाइल को ओपन कर लेंगे। जैसे आप लोग LD Player के सेटअप को ओपन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस यहां पे आप लोगों को देखने में मिलेगा। यहां पे आप लोग कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आप लोग कोई भी ड्राइव या फिर कोई भी फोल्डर चूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पीसी में SSD लगी हो तो आप लोगों ने ट्राई करना है कि इसको हार्ड ड्राइव की बजाय आप लोग SSD में इंस्टॉल करो। लोकेशन चूज करने के बाद सिंपली से आप लोग इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, LD Player की इंस्टॉलेशन का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, जो कि कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट हो जाएगा। गाइस, अगर इसकी इंस्टॉलेशन कहीं पे भी स्ट्रक हो जाती है, आप लोगों ने अपने पीसी में कोई भी थर्ड पार्टी एंटीवायरस वगैरह इंस्टॉल किया हो जैसे Avast वगैरह होता है, तो आप लोगों ने इसको थोड़ी देर के लिए टर्न ऑफ कर देना है, फिर ये जो एमुलेटर होगा इजीली आप लोगों के पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ये एमुलेटर इंस्टॉल होगा तो होम स्क्रीन पे आप लोगों के पास इसके 2 शॉर्टकट मिल जाएंगे, एक होगी LD Player की लॉन्चर फाइल और सेकेंड होगी इसकी मल्टीप्लेयर वाली फाइल। ट्राई नाउ पे क्लिक करते ही ये जो एमुलेटर होगा आप लोगों के पास लॉन्च हो जाएगा। ये जो वर्जन है ये LD Player का एक ओल्ड वर्जन है 3.130, जो किसी भी लो एंड पीसी या फिर ओल्ड पीसी पे अच्छा परफॉर्म करेगा। LD Player ओपन करने के बाद सिंपली से आप लोग सिस्टम एप्स पे क्लिक करने के बाद जो इसकी एंड्रॉइड वाली सेटिंग्स होती हैं इनको हम लोग ओपन करेंगे। अगर आप लोग सेटिंग्स में लास्ट पे आते हैं तो अबाउट टैबलेट पे हम लोग क्लिक करेंगे। अगर एंड्रॉइड वर्जन की बात की जाए तो इस एमुलेटर में आप लोगों के पास एंड्रॉइड वर्जन 5.1.1 मिल जाता है। आप लोगों को पता है कि अब तक LD Player में Android 7 एंड Android 9 भी आ चुका है, जो LD Player 5 और LD Player 9 के नाम से आप लोगों को मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन ये जो LD Player का एक ओल्ड वर्जन है तो ये Free Fire Max को भी सपोर्ट करेगा। उसके बाद सेटिंग्स में बैक आने पे आप लोग एप्स वाले सेक्शन को ओपन करेंगे। इसमें हम लोग रनिंग पे क्लिक करके ऑल एप्स को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आप लोगों को इसका एक अपना ही एप स्टोर मिल जाएगा LD स्टोर के नाम से। इसको ओपन करने पे सबसे पहले तो हम लोग इसको फर्स्ट ऑफ करेंगे, उसके बाद इसकी जो डाटा एंड कैशे फाइल्स होती है उनको क्लियर करेंगे, साथ ही इसमें जो अपडेट्स इंस्टॉल हुई होंगी उसको हम लोग अनइंस्टॉल कर देंगे और लास्ट पे डिसेबल पे क्लिक करके हम लोग LD Player का जो ये LD स्टोर होगा इसको डिसेबल कर देंगे। बिकॉज अगर आप लोग इसको डिसेबल नहीं करते तो आप लोगों को लो एंड पीसी पे काफी ज्यादा इश्यूज आ सकते हैं, सो आप लोगों ने इसको डिसेबल लाजमी से कर देना है। साथ ही एमुलेटर में प्ले स्टोर का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर आप लोगों ने फ्री फायर मैक्स को इंस्टॉल करना हो तो आप लोग प्ले स्टोर को यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप लोगों ने जिस तरह से LD स्टोर को डिसेबल किया है सेम उसी तरह से आप लोगों ने प्ले स्टोर को भी डिसेबल कर देना है। इतना काम करने के बाद गाइस सिंपली से आप लोग ये जो सेटिंग्स होंगी इनको हम लोग क्लोज करेंगे एंड अभी बात करेंगे LD Player एमुलेटर की बेस्ट सेटिंग्स के बारे में। सबसे पहले अगर आप लोग एडवांस में आते हैं तो यहाँ पे आप लोग कोई भी रेजोल्यूशन रख सकते हैं या फिर कस्टमाइज पे क्लिक करके आप लोग कोई भी रेजोल्यूशन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। जितना रेजोल्यूशन आप लोग कम रखोगे उतना ही कम लैग आप लोगों को देखने में मिलेगा। अगर CPU कोर्स की बात की जाए तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आप लोगों के पीसी में 2 कोर्स होनी चाहिए फिर ही आप लोग इस एमुलेटर को चला पाओगे, सो आप लोगों ने 1 कोर यहाँ पे इस एमुलेटर को असाइन कर देनी है। अगर रैम की बात की जाए, अगर आपके पीसी में 4GB रैम होगी तो यहाँ पे आप लोग 2GB रैम इसको असाइन कर देंगे। साथ ही यहाँ पे एडवांस में आप लोगों को एक क्लियर नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप लोगों ने इसकी जो कैशे वगैरह होते हैं उनको क्लियर कर देना है। साथ ही रीस्टार्ट नाउ का ऑप्शन आएगा, लेकिन हम लोग इसको बाद में रीस्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग बेसिक में आते हैं तो यहाँ पे हम लोग एग्जिट ऑप्शन में एग्जिट डायरेक्टली को चूज करेंगे। साथ ही माइक्रोफोन और जो लाउड स्पीकर होता है इसमें हम लोग रियलटेक ऑडियो के जो ड्राइवर्स होते हैं जो विंडोज 10 में आते हैं उनको हम लोग यहाँ से चूज कर लेंगे। साथ ही अगर आप लोगों की विंडोज में कोई भी ऑडियो के दूसरे ड्राइवर्स हों तो उनको यहाँ पे आप लोगों ने चूज कर लेना है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप लोग डिफॉल्ट वाले रखोगे तो
आप लोगों का माइक्रोफोन और जो लाउड स्पीकर होता है वो गेम में काम नहीं करेंगे। अगर प्रॉपर्टीज में आते हैं तो यहाँ पे प्रीसेट मॉडल पे क्लिक करके जो ASUS ROG 2 फोन होता है इसको हम लोग चूज कर लेंगे, बिकॉज इस पे आप लोगों को 120 FPS तक की स्पोर्ट देखने को मिल जाती है। साथ ही यहाँ पे अगर आप लोग हाई फ्रेम रेट को अनेबल करते हो, सेट पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर जो ASUS की डिवाइस होती है वो एक्टिवेट हो जाएगी। लास्ट पे अगर आप लोग गेम सेटिंग में आते हैं तो यहाँ पे आप लोग 120 FPS को भी अनेबल कर सकते हैं अगर आपके पीसी में कोई भी ग्राफिक कार्ड लगा हो। अगर कोई भी ग्राफिक कार्ड ना लगा हो तो फिर आप लोगों ने यहाँ पे 60 FPS जो डिफॉल्ट आते हैं उन्हीं को रहने देना है। इस तरह से सेटिंग्स करने के बाद सेव पे हम लोग क्लिक करेंगे और LD प्लेयर को एक बार रिस्टार्ट कर लेंगे ताकि जितनी भी हमने ये सेटिंग्स की हैं वो यहाँ पे इस एमुलेटर में अप्लाई हो जाएं। एमुलेटर रिस्टार्ट करने के बाद राइट साइड पे ये जो टूल बार है इस पे आप लोगों के पास एक इंस्टॉल एपीके का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके थ्रू हम लोग इसमें फ्री फायर को इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे मैं फ्री फायर का ग्लोबल वर्जन यूज करने वाला हूँ, जिसको डाउनलोड करने की जो वीडियो है उसका लिंक आप लोगों को पिन कमेंट में मिल जाएगा। फ्री फायर इंस्टॉल करने के बाद अगर तो आप लोगों का फ्री फायर का अकाउंट गूगल या फिर वीके वगैरह पे बना हो तो सिंपली से आप लोग सेटिंग्स को ओपन करेंगे। यहाँ पे आप लोग अकाउंट्स में आएंगे, ऐड अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोग इजीली अपना गूगल का अकाउंट ऐड कर सकते हैं। जब आप लोग फ्री फायर में इंटर होंगे तो सेम इस अकाउंट से आप लोग अपनी आईडी को लॉगिन कर पाओगे, बट आप लोगों ने फ्री फायर में इंटर होने से पहले अपना जो भी अकाउंट होगा उसको लॉगिन कर लेना है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप लोगों का फ्री फायर का अकाउंट फेसबुक पे बना हो तो इस एमुलेटर में आप लोगों को फेसबुक ऐप या फिर क्रोम ब्राउजर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसके एपीके फाइल का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे ये जो एपीके फाइल्स होती हैं क्रोम की या फिर फेसबुक की, ये आप लोगों को इजीली गूगल से मिल जाती हैं। फेसबुक ऐप को ओपन करने बाद यहाँ पे आप लोग अपना ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड पुट करने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमारी फेसबुक की आईडी जो है वो लॉगिन हो चुकी है। उसके बाद फेसबुक ऐप को हम लोग क्लोज करेंगे एंड सिंपली से फ्री फायर को ओपन कर लेंगे। स्टार्ट में आप लोगों के पास ये की मैपिंग की कुछ टिप्स आती हैं, जिनको हम लोग यहाँ पे नो मोर प्रॉम्प्ट पे क्लिक करके कंफर्म कर देंगे। इस एमुलेटर में कोई भी ग्रीन लोगो स्ट्रक वाला अगर आप लोगों को इशू आता है तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसे कैसे आप लोग इसमें फ्री फायर को ओपन करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को अगर फ्री फायर ओपन ना हो और आप लोगों के पास अगर ब्लैक स्क्रीन आए तो सिंपली से यहाँ पे हम लोग फ्री फायर को क्लोज करेंगे। सिस्टम एप्स पे क्लिक करने के बाद जो एंड्रॉइड वाली सेटिंग्स होती हैं इनको ओपन करेंगे। यहाँ से सीधा जाएंगे एप्स वाले सेक्शन में, फ्री फायर को सिंपली से ओपन करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इसको फोर स्टॉप करेंगे ताकि ये बैकग्राउंड से रन करना बंद कर दे। उसके बाद इसकी जो कैशियर एंड डाटा फाइल्स होती हैं उनको क्लियर कर देंगे। उसके बाद सेटिंग्स को बंद करके सिंपली से फ्री फायर को ओपन कर लेंगे। इस बार आप लोगों को कोई भी ब्लैक स्क्रीन नहीं आएगी और आप लोगों के पास जो ग्रीन वाला लोगो होगा वो भी डिस्प्ले होगा, साथ ही जो इसकी मेन लोडिंग वाली स्क्रीन होती है वो भी यहाँ पे आ जाएगी। गाइस जब तक फ्री फायर ओपन होती है, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना, और आप लोगों में से जितने भी लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। फ्री फायर ओपन करने के बाद अगर आप लोग मोर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों के पास वीके एंड गूगल दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं। साथ ही अगर आप लोग साइन इन विद फेसबुक पे क्लिक करते हैं तो आप लोग क्रोम ब्राउजर या फिर फेसबुक ऐप में रीडायरेक्ट होंगे, और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारी जो फेसबुक की आईडी होगी वो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगी। यहाँ पे फ्री फायर को ओपन करने के बाद जितने भी आप लोगों को फीचर्स दूसरे एमुलेटर में मिलते हैं वो सभी यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर इस एमुलेटर में की मैपिंग के बारे में बात की जाए तो कंट्रोल्स में आने के बाद हम लोग कस्टम HUD को ओपन करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे की मैपिंग को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों के पास परफेक्ट की मैपिंग मिल जाती है फ्री फायर के लिए। अगर आप लोग इस एमुलेटर पे फ्री फायर मैक्स भी प्ले करते हो तो उसकी सेंसिटिविटी भी काफी स्टेबल आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाती है। कीज को जैसे भी आप लोग एडजस्ट करना चाहें, जैसे भी असाइन करना चाहें, यहाँ पे आप लोग कर सकते हो। इस एमुलेटर में जो माउस को लॉक एंड अनलॉक करने वाला बटन है उसके लिए आप लोग कोई भी की असाइन कर सकते हो। साथ ही इसकी जो सेंसिटिविटी होगी उसको आप लोगों ने कम या ज्यादा करके देख लेना है, बिकॉज ये जो सेंसिटिविटी होती है ये हर माउस और हर पीसी के लिए डिफरेंट होती है। सो आप लोगों ने अपने हिसाब से देख लेनी है कि आप लोगों के लिए बेस्ट कौन सी है। वैसे मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि ये जो इसकी एक्स एंड वाई एक्सिस की वैल्यूज हैं इनको आप लोगों ने 50-50 कर लेना है और यूज वाले बटन के इसको करीब ही रखना है, तो आप लोगों को अच्छी सेंसिटिविटी इसमें देखने को मिल जाएगी। अगर आप लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में आके इसकी सेंसिटिविटी को चेक करते हो तो इसमें आप लोगों को काफी अच्छे हेडशॉट लगते हैं, और अगर आप लोग इस एमुलेटर में कुछ दिन प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों का हाथ जो है इस एमुलेटर में अच्छा सेट हो जाएगा। फिर भी गाइस अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के हर कमेंट का टाइमली आंसर कर सकूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।